100 में से 95 लड़कों का सपना होता है बड़ा बाइसेप्स दिखाने। अपने पैरों पे खड़े होकर खुद कुछ करना बहुत बड़ी खुशी की बात होती है। जब आप सपने देखते हैं तो सपने जब भी साकार होते हैं। और एक चीज की बड़ी खुशी है, यूट्यूब की पेमेंट ले ली। माइंड कनेक्शन अगर आपका बनता है ना आपकी मसल के साथ में, तो जितना स्लो आपका आएगा उतनी ज्यादा मसल आपकी गेन कर रही हो। तो आप योगा करें, फिटनेस के लिए कार्डियो करें। आपने अगर अपना गोल सेलेक्ट कर लिया और आप उसके लिए वर्क कर रहे हैं, कोई आपको बीट नहीं कर सकता। आप टी शर्ट वगैरह में इनमें जब फोरआर्म भी बड़ा दिखता है। आज मैं लेने जा रहा हूँ कार। सो हे गाइज, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में स्टेरॉइड ट्रांसफॉर्मेशन जो मेरा चल रहा है बर्थडे के लिए, उसमें बाइसेप्स का वर्कआउट लेना है एंड वन ऑफ माई फेवरेट। और हर वो व्यक्ति जो आज के टाइम पे जिम जाता है, मैं 95% 100 में से 95 लड़कों का सपना होता है बड़ा बाइसेप्स दिखाने का। और ये ड्रीम कई लोगों का तो ड्रीम ही रह जाता है, क्योंकि ओवर ट्रेनिंग करने की वजह से ना आपका बाइसेप्स बहुत छोटा मसल है, वो इंक्रीज कर नहीं पाता है। तो आज हम काम करेंगे उसी जो एक मिथ है कि बाइसेप्स नहीं बन सकता। हफ्ते में आप दो बार ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन जो डेली अगर आप आके ट्रेन कर रहे हो, वो एक मिथ है ना लोगों के बीच में कि पुशअप्स डेली मारने चाहिए। आई एम सेइंग कि दिस इज मिथ, ऐसा नहीं होता है। डेली एक ही चेस्ट मसल का वर्कआउट है, सपोर्टिंग मसल ट्राइसेप्स होता है, शोल्डर सपोर्टिंग मसल। अगर डेली आप उसे ट्रेन कर रहे हो तो वो वर्क नहीं करेगा। आप हैबिचुअल बना रहे हो मसल को, वो ग्रो नहीं करेगी। तो कितना हिट करना है, कैसे करना है, फटीक लेवल क्या होता है, ये सब बड़ी प्रैक्टिकल सी और थोड़ी सी ना साइंटिफिकली प्रूवन थिंग्स हैं। तो इन पे काम करेंगे ब्लॉग के अंदर में, अब नॉलेजेबल ब्लॉग्स बनाएंगे। तो वर्कआउट करते हैं बाइसेप्स का। आज वर्कआउट बाइसेप्स का बड़ा अल्टीमेट होने वाला वर्कआउट रहेगा, पीक के साथ आपके साइज को मेंटेन करने के लिए, लीन लुक के साथ। तो चलिए करते हैं पहला वर्कआउट। दिस इज माई फर्स्ट वर्कआउट, प्रीचर। प्रीचर आपकी बाइसेप्स पीक के लिए वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट है। वार्म अप में कर चुका हूँ। बिना वार्म अप के अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आप खुद को इंजरी की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। आज नहीं हो रही लेकिन एक दिन जरूर होगी, तो उससे सेफ रहें। स्लो स्क्वीज देन रिलीज। जो नेगेटिव पोस्चर, जितना स्लो आपका आएगा उतनी ज्यादा मसल आपकी गेन कर रही है, उतना ज्यादा इफेक्टिवली आप वर्क कर रहे हैं अपने मसल पे। फील योर वर्कआउट। माइंड कनेक्शन अगर आपका बनता है ना आपकी मसल के साथ में, तो नो वन हैज राइट टू बीट यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्ट योर माइंड विद योर मसल, देन ट्रेन। सो ये है मेरा फर्स्ट वर्कआउट। इसके मैं लूंगा 10-12 रेपिटेशन विद 4 सेट्स। तो ये पहला सेट मैंने लिया और पंप गजब आ रहा है। और एक चीज़ की बड़ी खुशी है, YouTube की पेमेंट ले ली। और जब आप सपने देखते हैं तो सपने जब भी साकार होते हैं, कार लेने के लिए चलते हैं। तो इसी ब्लॉग के अंदर दिखाएंगे कि कार डिलीवरी क्लिप डालूंगा मैं। आज मेरी कार की डिलीवरी है, तो अपने आप को तोहफा दे रहा हूँ, मेरा जन्मदिन आ रहा है। अपने पैरों पर खड़े होकर खुद कुछ करना बहुत बड़ी खुशी की बात होती है। तो प्रूव योरसेल्फ कि दैट यू आर एबल टू अचीव योर ड्रीम्स। सो नाउ दिस इज सेकेंड वर्कआउट। और ऑल्टरनेट डंबल कर्ल करना है, बहुत इफेक्टिव वर्कआउट है। इस वर्कआउट को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, ये हमारा सिंपल वे जैसे सब करते हैं, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा इफेक्टिव ये वाला वे लगता है। तो मैं कह रहा था कि अगर ये जो वर्कआउट है बाइसेप्स के लिए, इसको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। वन ऑफ बेस्ट वर्कआउट अगर आप कहें तो आप ये वर्कआउट को गिन सकते हैं, क्योंकि बहुत बेसिक वर्कआउट है। ऑल्टरनेट डंबल कर्ल, अपनी क्षमता अनुसार वेट लें और स्क्वीज टाइट स्लो रिलीज। बहुत ज़्यादा बेसिक कह सकते हैं लेकिन आम गिन नहीं सकते, बहुत इफेक्टिव है यार। अगर आपको बाइसेप बनाना है इस वर्कआउट को ऐड ज़रूर करके चले आप। दिस इज़ वेरी इफेक्टिव एंड रिजल्ट्स आपको दिखने लगते हैं। अगर आपने अगर अपना गोल सेलेक्ट कर लिया और आप उसके लिए वर्क कर रहे हैं, मैं लिटरली आपको बोल रहा हूँ, कोई आपको बीट नहीं कर सकता। आपके पास गोल ही नहीं, आपको करना क्या है, जिम में आ रहे तो आप योगा करें, फिटनेस के लिए कार्डियो करें, स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग करें। बट अगर आप सप्लीमेंटेशन पे भी पूरा ध्यान दे रहे हैं, डाइट भी आपकी बहुत अच्छी है, वर्कआउट आप अच्छे से कर रहे हैं और आपके पास गोल नहीं है, तो अच्छे दिख रहे हो आप, वो भी एक वे हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि सेलेक्ट योर गोल, वर्क फॉर दैट एंड अचीव एंड प्राउड फॉर दैट। थैंक यू सो मच। सो अगला वर्कआउट जो है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है एंड हैमर वर्कआउट को आप मिस ना करें। ये वो बेसिक वर्कआउट का एक कॉम्बिनेशन है जो आप अगर ट्राई करते हैं तो एक्चुअली इतना इफेक्टिवली वर्क करता है, इसे नज़रअंदाज ना करें आप। और पंप आप देख सकते हैं, टेक अ लॉन्ग ब्रीथ। पोज करना ना भूलें आप। उसके बाद लेते हैं नेक्स्ट वर्कआउट। ये नेक्स्ट वर्कआउट है मेरा, बहुत इफेक्टिव वर्कआउट है। आप भी नॉर्मली सीधे पोजीशन में बैठे, किसी मशीन की खास आवश्यकता नहीं है आपको।
जस्ट ये आपकी जो एल्बो है इससे थोड़ा सा आगे लेंगे और यहाँ टच करके एंड जस्ट फील योर पीक वर्कआउट. पीक पे प्रेशर महसूस करना है. स्क्वीज एंड स्लोली रिलीज. तो रेपिटिशन 12 से 15 और बहुत प्यारा वर्कआउट है. इसे आप फील करके करें. बहुत अच्छा पीक पे फील आता है. प्रीचर का ही एक सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं इसे, लेकिन इफेक्टिवली बहुत वर्क करता है. सो ये वर्कआउट है मेरा. इसके बाद में बाइसेप्स के ब्लॉक का वर्कआउट का हम एंड करते हैं. अब हम लेंगे फोरआर्म का वर्कआउट. बहुत बड़ा रोल होता है आपके इस लुक को इन्हेंस करने में फोरआर्म का. बाइसेप्स जब अच्छा दिखता है, जब आप टी शर्ट वगैरह में इनमें जब फोरआर्म भी बड़ा दिखता है तो और ब्रॉडनेस यहाँ से नज़र आती है. तो चलिए करते हैं दो बेस्ट वर्कआउट फॉर फोरआर्म. अब है, मैंने जैसा आपको कहा कि बेस्ट दो वर्कआउट मैं आपके साथ करके दिखाने वाला हूँ. बहुत इफेक्टिवली वर्क आएगा. ये है फोरआर्म का बहुत इफेक्टिव वर्कआउट. यहाँ लाना है स्क्वीज स्लोली डाउन. इसका असर बाइसेप्स पे भी आता है आपके. और मैं आपको बता रहा हूँ बाइसेप्स की चौड़ाई में बहुत बड़ा रोल है इस वर्कआउट का. इसके साथ आपको यहाँ इस तरीके से ग्रिप करनी है एंड जस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कॉम्बिनेशन बनाएंगे. 12 रैप इसके, यहाँ भी ट्रेनिंग और यहाँ भी ट्रेनिंग. लुक आने वाला है बहुत ही गजब. तो ब्लॉक का करते हैं एंड. ये था मेरा बाइसेप्स का अल्टीमेट वर्कआउट रूटीन. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आज मैं लेने जा रहा हूँ कार. कल मैंने निकाली थी यूट्यूब की पेमेंट. बर्थडे मेरा आ रहा है, उसके लिए मैं कर रहा हूँ ट्रांसफॉर्म. अब आपके प्यार की ज़रूरत है तो प्लीज़ शो मी योर लव टू सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.